ताज़ातरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। सानिया निश्तर साहिबा, एहसास प्रोग्राम के तहत आपको सिर्फ लंगर ही बांट रहा याद आया था। मतलब इससे आसान काम आपको कोई नजर नहीं आया कि देगे बांटो, लोगों को जमा करो तो रोटी खुआ दे। वो मेरे खान तो सादा आदमी है, उसको तो बांटने में मजा आता है, गरीब की मदद करने में मजा आता है। उसको आपने कहा चलो जी रोटी खुआने, आओ जी खान साहब लोगों को रोटी खुआने, तो वो शरीफ आदमी साथ चल पड़ा। लेकिन आपके जो है उस पोटली में इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं थी। यू नो आई मीन, आप सोचें कि खान के स्ट्रेचर का बंदा ये काम करेगा? खान को तो हमने बहुत बड़े 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 कामों के लिए इस मुल्क का वजीर आजम बनाया यार, ये तो बड़े छोटे से काम है। आप मुझे बताएं, 72 साल से भीख पे तो पल रही है कौन है? गरीब आवाम मुल्क के अंदर भीख मांग रही है, पूरा मुल्क दुनिया के सामने हाथ फैला के बैठा हुआ है। तो हमने तो खान, हम तो खान को इस वजह से लेकर आए थे कि हमारी इज्जत नफ्स को वो उठाए, हमें गैरत, हमारी गैरत को दोबारा जगाए, हमें यह एहसास दिलाए कि हमने खुद काम करना है, अपने हाथों से काम करना है, कमा के खाना है। तो आपके पास यही रह गया था लंगर। दुनिया में बड़ी से बड़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देख ले, वो लंगर बांटती है। कभी बिल गेट्स फाउंडेशन लंगर बांटा है? हैं जी, उसका काम लंगर बांटना है क्या? वो जो है ना बिल गेट्स जो है ना देख के साथ खड़ा चम्मच से जो है ना प्लेटें भर भर के लोगों को खिला रहा होता। डू यू रियली वांट टू टेल मी दैट कि भाई वो कर रहा होता? आई मीन सीरियसली, आपके पास इसके अलावा कोई काम नहीं था? वो भाई करने वाले काम करेंगे क्या? टोपी ड्रामा में लग गए फॉर हेवन सेक्स। ट्रेन करें लोगों को, टीच देम टू रिपेयर अ मोबाइल, टीच देम टू डू फार्मिंग, बहुत कुछ करने को है यार। मैकेनिक बनाए उनको, उनको रोजी अपने हाथ से खाने की आदत डालें, उनमें बेसिक फाइनेंस सिखाएं कि कारोबार करते हैं तो उसकी फाइनेंस कैसे समझ जाती है, एक अनपढ़ आदमी को भी समझ आए। खुदा का वास्ता है, फॉर हेवन सेक्स, यू नो डोंट डू दिस, दीज आर वेरी चीप गिमिक्स। आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड, प्लीज डोंट डू दिस, एब्सोल्युटली नॉट। ये खान जैसे स्टेचर के बंदे को सूट नहीं करता। खान ने इस मुल्क की तकदीर बदलनी है और तकदीर खरातों से नहीं बदलेगी। जिस मनहूस को मेरी बातें पसंद नहीं आ रही ना, मेरी तरफ से बाढ़ में जाए।